नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। बीपीएससी 68वीं पीटी की परीक्षा हो चुकी है। अभ्यर्थी वापस अपने अपने घरों की ओर जाने के लिए स्टेशन पटना जंक्शन पर पहुंच चुके हैं। कुछ अभ्यर्थी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह के सवाल पूछे गए थे, कट ऑफ क्या संभावित लग रहा है। आपका नाम? दिलीप कुमार। दिलीप कुमार, दिलीप कैसी परीक्षा रही आपकी? सर परीक्षा ठीक ही रही। प्रश्न कैसे थे? प्रश्न कुछ सर मॉडरेट टू हाई थे, प्रश्न ज़्यादा इजी थे नहीं। अच्छा, हाँ। आपने इससे पहले 67वीं दिया था? जी सर, जी दिए थे हमने। ये आपका कौन सा अटेम्प्ट है? ये मेरा सर चौथा अटेम्प्ट है। चौथा अटेम्प्ट? जी सर। इससे पहले जो आप लोगों ने परीक्षा दी थी और इस बार नियम में बदलाव भी हुआ है, निगेटिव मार्किंग हो गया है, साथ ही साथ अब पाँचवा ऑप्शन भी आ रहा है, तो क्या लग रहा है कि कितना अंतर रहा दोनों परीक्षा? सर अंतर तो बहुत है। पिछले एग्जाम से इस बार का एग्जाम में क्वेश्चन बहुत टॉप थे और इस बार निगेटिव मार्किंग भी थी, 1/4 था। हाँ सर। तो क्या लगता है कट ऑफ क्या हो सकता है? कट ऑफ तो सर बहुत ज़्यादा नहीं जाना चाहिए क्योंकि निगेटिव मार्किंग के चलते उतना तो पिछली बार 113 चला गया था, इस बार 90 के लगभग कट ऑफ होना चाहिए, 92-95 जनरल का। हाँ। किस सब्जेक्ट से ज़्यादा टफ लग रहा है कि क्वेश्चन पूछे गए? सर क्वेश्चन हिस्ट्री के बहुत टॉप थे जो भी थे, हिस्ट्री के। हाँ, और करेंट अफेयर्स भी थे तो वो भी बहुत ये थे। आपका नाम? सूर्यकांत गुप्ता। सूर्यकांत, सूर्यकांत कैसा गया आपका? ऐसे बता तो नहीं सकते, जैसे क्वेश्चन बड़ा टफ टाइप का था, वो बिहार स्पेशल सा जो क्वेश्चन था ऐसा पूछा था कि आप अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। मतलब रिपीटेड क्वेश्चन कभी, जैसे 67वीं 68वीं में पिछले ईयर्स का रिपीटेड क्वेश्चन, इस बार ऐसा कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो रिपीटेड था, और इस बार बड़ा मुश्किल है। 90+ जो किया है लड़का लोग उस मतलब अच्छा कर लिया है इस बार। अच्छा, 90+ जो कर लिया है लग रहा है कि वो उसका हो जाए? जनरल का हमको लगता है ज़्यादा नहीं, 95 काफ़ी है, क्योंकि इस तरह लग रहा है जिस तरह ना UPSC का जिस तरह क्वेश्चन पैटर्न रहता है ना, उस तरह BPSC ला दिए पूरा। अच्छा, एकदम UPSC पैटर्न का। UPSC पर बिहार स्पेशल और हिस्ट्री का लेवल थोड़ा अप था। अच्छा, और बाकी रीजनिंग का भी सुनते हैं कि ज़्यादा क्वेश्चन पूछा? रीजनिंग में 2 या 3 क्वेश्चन था जो पूरा कैलकुलेटिव था, वो डील नहीं हो पा रहा था किसी से, पूरा टफ ही था मान लीजिए तो। बाकी मैथ में कोई खास नहीं था, वो हो गया। आपका नाम? मन्नू कुमार। मन्नू, कैसी रही परीक्षा? परीक्षा सर मिला जुला ठीक ठाक रहा, बाकी हर एक पोर्शन से टफ ही क्वेश्चन था। हर सब्जेक्ट का क्वेश्चन टफ था, साइंस खास करके करंट अफेयर्स। सबसे ज़्यादा क्या टफ लग रहा था? वो तो करंट टफ लगा, जितना पढ़े हैं तो उससे 4.5 आया, बाकी बात ये भी नहीं किया सर, कहाँ से दिया पता नहीं। अच्छा, कहाँ से लिया पता नहीं चल रहा, नहीं चला सर। तो क्या लग रहा है कट ऑफ क्या जा सकता है? कट ऑफ वही 90। 90 मतलब 90 से ऊपर जो लाएगा वो आराम से हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, क्योंकि 67वीं में तो 113 चला गया था जी। उसमें हम लोग भी दिए थे, उसमें तो 94 मार्क्स मेरा भी था। अच्छा, तो हम लोग OBC से आते हैं फिर भी नहीं हुआ था ऐसा ऑप्शन बना के जी। उस वो क्वेश्चन ठीक ठाक था सर, वो लगा था कि नहीं पढ़े तो आया है। इस बार क्या लग रहा? इस बार लगा था कि थोड़ा सा उठपटांग था, सर उठपटांग था, ऊपर से निकल जाना। जी हाँ। तैयारी जिस तरह की थी, आपने जिस तरह का क्वेश्चन सॉल्व किया था उससे और अभी में बहुत अंतर? हिस्ट्री ठीक था सर, बिहार स्पेशल भी ठीक था, थोड़ा सा करंट और साइंस का लेवल थोड़ा सा चढ़ा हुआ था सर। करंट और साइंस जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ कुछ अभ्यर्थी मौजूद थे जिन्होंने बताया कि किस तरह की परीक्षा हुई। इन्होंने साफ तौर से कहा कि जो बदलाव किए गए हैं BPSC के द्वारा, उस हिसाब से ये साफ लग रहा है कि BPSC की परीक्षा अब थोड़ी टफ हो गई है, यानी UPSC के पैटर्न पर BPSC अब परीक्षा ले रहा है। ऐसे में जब निगेटिव मार्किंग है तो संभावना है कि कट ऑफ इनके हिसाब से 90 से ऊपर नहीं जाएगा। अब देखना है कि क्या कुछ होता है, क्या रिजल्ट आता है। फिलहाल आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें, साथ ही साथ ट्विटर पर हमें फॉलो जरूर करें।